नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा, स्वागत है आपका चमत्कारी उपाय में। कैसे हैं आप सब? 99 पॉइंट पे आके अगर आपका काम रुक जाता है, अगर आपकी चलते चलते दुकान रुक जाती है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपकी बात नहीं सुन पा रहे हो, या खुद आप एम्प्लॉय हो और कहीं काम कर रहे हो, वहां पर आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपका प्रमोशन होने वाला था बट वो रुक गया है, कहीं पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, और अगर झूठे केस में अगर आपको फंसाया जाए या झूठी बातें आपके बारे में कोई फैला रहा हो, तो अगर इससे बचना है तो ये महा उपाय आप जरूर करिएगा। महा उपाय के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शनिदेव के जो इस देव माने गए हैं वो भैरव जी माने गए हैं। जब भी हम शनिदेव की कोई उपाय करते हैं तो भैरव जी को प्रणाम करके, और साथ ही साथ अगर हनुमान जी का हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ लेते तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। चाहे कैसी भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, शनि से रिलेटेड हो या कोई और ग्रह से भी अगर आपको रिलेटेड है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं और तब उसके बाद में आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपका ये 100% ये काम करता ही करता है। काले तिल चढ़ा सकते हैं, काली दाल चढ़ा सकते हैं, काले कपड़े चढ़ा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं कि जब शनि मंदिर आप जाए तो शिवलिंग पे पानी दूध और थोड़ी सी एक चुटकी भी अगर आप तिल चढ़ा देते हैं और ये शिवलिंग पे अगर आप अर्पण कर देते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक शनि की जो नेगेटिविटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। शनि के उपाय में आप उड़द दाल का दान कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं, गरीबों को आप खाना खिला सकते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी शनि की दशा कोई ख़राब चल रही हो या किसी ने बताया, सटीक कुंडली देख के अगर किसी ने बताया हो तो जो हमारे जो आसपास जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कभी तकलीफ मत पहुँचाइएगा। अगर आपके घर में कोई भी अगर सर्वेंट है, मेड है, अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको कभी तकलीफ मत पहुंचाइएगा। उनसे ये नहीं है कि काम निकालना है तो जबरदस्ती कोई काम दे दिया या उनको परेशान कर, अपने एम्प्लॉयज को कभी परेशान मत करिएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अगर परेशान करते हैं या आपके घर में जो भी मेड है या सर्वेंट है उनको परेशान करते हैं, टाइम पे सैलरी नहीं देते, उनका पैसा अगर आप रोक के रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर शनि शनि थोड़ा भी अगर खराब होगा या स्थिति में बताया गया कि थोड़ा भी खराब है तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो सबसे पहले अपने बिहेवियर पैटर्न को भी बहुत चेंज करने की जरूरत होती है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपसे कोई छोटा है या मतलब लोएस्ट में अगर वो काम कर रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपका काम महा उपाय, छोटा सा काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी उड़द दाल डाल दीजिए, उसमें 7 काली मिर्च डाल दीजिए और कोई भी मोची से 2 कीले मांग लीजिए, और अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा रुपए उसे दे के 2 कीले मोची से शनिवार के दिन लेके उसकी पोटली बना लीजिए और 7 बार क्लॉकवाइज आप अपने सर से वार लीजिए, और कोई भी बहते पानी में आप इसको बहा दीजिए। बहते पानी में बहाना है, गंदे नाले में या कुएं में नहीं बोला हुआ है तो प्लीज़ इसको याद रखें, बहते पानी में बहा दीजिए, देखिए आपके कैसे काम बनते हैं। और दूसरा जो उपाय है, जो काल जो मिट्टी की जो हांडी होती है वो कोई भी पूजा शॉप पे मिल जाएगी, छोटी छोटी हांडियाँ भी मिलती है, उसको आप काला पेंट कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, उसके ऊपर से लाल कपड़ा बांध दीजिए, और जो भी नदी का जो किनारा होता है जहाँ पानी बह रहा हो, साफ पानी जो बह रहा हो उसका जो किनारा होता है उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए और उसको अंदर आप गाड़ दीजिए, और उसके बाद में आप पलट के मत देखिए उसको, आप घर आइए, आप देखिए आपका कैसा काम होगा। 100% गारंटी है क्योंकि ये एक बहुत कारगर और सफल उपाय है, इसको लोगों ने किया है, इसके बहुत अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं, रिव्यूज भी आ रहे हैं, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी करिए इसको, आप करोगे तो जरूर काम होगा। काम करने के लिए मन में श्रद्धा होनी जरूरी है। आप इसको काम करने के टाइम पे आप ऊपर वाले से प्रे करिए, जिस भी वजह से मैं ये काम कर रहा हूं मैं इसमें सफल हूं, आप जरूर सफल होंगे इस काम में। आप अगर मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या उसके महा उपाय चाहते हैं या वास्तु से रिलेटेड आप कोई भी पूछना चाहते हैं या उसके उपाय चाहते हैं तो जो नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। और मेरी जो फ़ीस है बड़ी ही नॉर्मल फीस मैंने रखी हुई है, वो हज़ारों या लाखों रुपये की नहीं रखी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी जो फ़ीस है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और जो मैं रेमेडीज़ जो मैं बताती हूँ आप लोगों को वो बहुत ही 100-200 की रेमेडीज़ होती है, ऐसा नहीं कि लाखों रुपए का खर्च कर दिया या लाखों रुपए मैंने बता दिया ये पूजा कर लो वो पूजा कर लो, ये नग पहनो वो नग पहनो, ये वाला ले आओ वो वाला ले आओ, ये सारी चीजें मैं नहीं करती और ना ही तो मैं इससे रिलेटेड कोई भी पूजा करती हूँ।
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी मेरी नई जो वीडियो आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, बाय बाय।